ये नैन गांव की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के साथ में तस्वीरें और सुभाष नेताजी मेरे साथ हैं। दरअसल धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा दी है। नेताजी आज धर्मवीर सिंह का स्वागत कर रहे हो आप? हाँ जी, फोटो तो मैं देख रहा हूँ किरण चौधरी के, श्रुति चौधरी के आपके घर में लगे हुए। जी मैं तो शुरू से इनकी साथ साथ जब से कांग्रेस का कार्यकर्ता बना ना तो बंशीलाल सुरेंद्र जी का परिवार से ही बन के चला है जी। आज ऐसा क्या हुआ कि मतलब बीजेपी याद आई, धर्मवीर सिंह याद आए या उनमें किसमें? जी कांग्रेस आओ को ना कार्यकर्ता ने नीचे गिरवाओ उस आपको ऊपर ना चढ़े और हम कार्यकर्ता जी मेहनत करा। हाँ आप भी देखा होगा कांग्रेस वाले कार्यकर्ता अपने आप लग गए या किरण चौधरी का इशारा था कि लग जाओ? अपने आप, हम जी निर्णय लिए है हम इनके साथ रहेंगे। देख रहा था आपके गाँव में परस में कार्यक्रम था, काफी सारे लोग भी थे, यहाँ बड़ा सा गाँव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या सीन लगता है यहाँ पर? 101% धर्मवीर बावड़ा जी का वोट से जी हम रियाय कर फिर बुलाया था जी, ये गांव में तीन ही मोर मारेगा। फोटो तो टंगे रहेंगे क्योंकि पुरानी साहब लीडर रही। देखो मेरी गरारी चुनरी उड़ा रही है, मैं तो बहन बना रखी है किरण चौधरी। हाँ किरण चौधरी को जी, मतलब किरण चौधरी, किरण चौधरी श्रुति चौधरी के भाई जो है वो आगे धर्मवीर के साथ। हाँ जी आज जोड़े कौन दिख रहा जी, धर्मवीर जी ने बुलाया से सब कार्यकर्ता आया से स्वागत करांगा तन मन से साथ रहांगा। मिला के सुभाष नेता जी हैं कांग्रेस के नेता, आप इनको कह सकते हैं किरण चौधरी के खासम खास, श्रुति चौधरी के भाई भी कह सकते हैं, और धर्मवीर सिंह यहाँ पर आ रहे हैं, कृष्ण चेयरमैन यहाँ पर आ रहे हैं और राव डॉक्टर अभय सिंह भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सभी का स्वागत हो रहा है। मतलब जो राव दान सिंह जिन वोटों के दम पे टिकट लेकर आए थे कि भाई कांग्रेस का वोट है तो कांग्रेस का वोट छिटक कर अब बीजेपी के साथ धर्मवीर सिंह के साथ में आ रहा है। जी पहले श्रुति को टिकट मिलती थी उसके साथ थे, ये टिकट नहीं मिली तो अभी धर्मवीर के साथ है, बस इतनी बात है, बस सीधी सी बात। मतलब गुस्सा है श्रुति की टिकट कटने से? गुस्सा है ये है बात तो इनका, सारे बैठ सारे बैठ, श्रुति की टिकट कट गई तो गुस्सा है, गुस्सा है कार्यकर्ता हूँ तो हम कह रहे हैं गुस्सा है। यही सरकार को आगे पता चल जाएगा किसकी टिकट काट जाए किसको दी जाए। कार्यकर्ता नाराज है और मोदी जी का कार्यकाल बढ़िया है, बढ़िया है उससे वोट दे रहे हैं। मतलब श्रुति की टिकट कट गई कार्यकर्ताओं को पता लगा मोदी जी ठीक है? हाँ मोदी जी ठीक है, मोदी जी पहले से भी ठीक है। हाँ जी हर खुश है। चौधरी धर्मवीर सिंह आगे हैं और जैसे मैं कह रहा था कि कांग्रेस के वोटों में सेंध लग सकती है, सेंध लगी है धर्मवीर सिंह जी। ये नेताजी तो कांग्रेस के आदमी होते थे, किरण के खासम खास थे सुभाष नेताजी, आज आपका स्वागत हो रहा है। नहीं हम भी पहले कांग्रेस में थे। हाँ हाँ तो धीरे धीरे करके सारे आ रहे हैं? अरे नहीं यार ये देश के लिए आ रहे हैं सारे, तो आज देश सबका है, देश किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम भी बन गया महेंद्रगढ़ में, तो उससे जो है और कितना क्या मतलब आपको उम्मीद है कि भाई? अभी वो प्रोग्राम आया है हमारे पास, तो यही मैसेज आया कि 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी महेंद्रगढ़ में इसी लोकसभा क्षेत्र में आएंगे। मैं देख रहा था अभी किरण चौधरी के फोटो लगे हुए, श्रुति चौधरी के फोटो लगे हुए, उनके कार्यकर्ता हैं, कहते भी नाराजगी बहुत है श्रुति की टिकट कट गई थी हम तो इधर आ गए बीजेपी में। अरे नहीं सारा देश आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के देश को मजबूत करना चाहता है। शुक्रिया बात करने के। चौधरी धर्मवीर सिंह थे और यहाँ पे जबरदस्त कार्यक्रम जो है समर्थन को मिल रहा है, जो कांग्रेस के लोग थे वो बीजेपी में। डॉक्टर अभय सिंह यादव हैं इस वक्त विधायक हैं और डॉक्टर साहब मोदी जी की भी रैली हो रही है और माहौल कैसा देखते हैं नैनगांव में? बहुत बढ़िया माहौल है, नैनगांव तो सदा से बीजेपी के साथ देता रहा है, पहले विधानसभा में भी दिया था और अभी भी काफी बड़े बहुमत से हम यहाँ से जीतेंगे। ये सुभाष नेताजी बताए जाते हैं कि भी किरण चौधरी के खासम खास थे कांग्रेस में रहे हैं, श्रुति चौधरी की टिकट कट के नाराज थे, तो ये लोग जो है जो नाराज लोग थे वो सारे बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना फायदा रहेगा। शुक्रिया बात करेंगे। जितने लोग आएंगे उतना ही फायदा, पार्टी को फायदा, धर्मवीर सिंह को भी फायदा। भिवानी बेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह का नैन गांव के चौपाल पर भी जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव और राजस्थान के विधायक के अलावा और कई बड़े नेता भी मौजूद थे। नैन गांव महेंद्रगढ़ जिले का एक प्रमुख गाँव है। यहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात रखते हुए खुद के लिए वोट मांगे। धर्मवीर सिंह ने कहा कि मोदी के हाथ एक बार फिर से मजबूत करने होंगे और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को ताकत मिलती है तो आप ये तय मान लीजिए कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को ताकत पहुँचती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं, क्योंकि वो काबिल हैं इसलिए देश बढ़ रहा है और इस देश को रुकना नहीं चाहिए, देश को आगे भी बढ़ाना है, लिहाजा बीजेपी को जिताना है।